हर हाउसवाइफ को डेली ये सोचना पड़ता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं और डिनर में क्या बनाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा ही कुछ आज हुआ मेरे साथ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं फ्रिज में गई देखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी सब्जी नहीं थी बची हुई। तो मैंने सोचा चलो फ्रिज में देख लेती हूँ कि क्या रखा है। तो बस मैंने निकाला फ्रिज से एक बाउल जिसके अंदर दिन की बची हुई थी ये दाल। मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं, तो मुझे झटपट से याद आ गया कि मैं बचपन में ना मेरे घर पर ये काफ़ी बनता था और मेरी ये दादी बनाया करती थी, जिसमें ना खूब सारी सब्जियों का यूज़ होता था। तो आज तो मेरे पास बहुत सारा सब्जी नहीं है, तो फिलहाल मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़े से मेरे पास मटर बचे हुए थे, थोड़ी सी मिर्ची और लहसुन के पत्ते को डालकर मैंने चॉप्ड कर लिया। दूसरी तरफ मैंने पैन को चढ़ाया, उसमें सरसों का तेल और राई का तड़का लगा के, जो मोटी वाली राई होती है ना सरसों के दाने, बस उसको मैंने डालकर अच्छे से तड़का लगा लिया। और इन सब्जियों को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे कुछ मसाले। उससे पहले मैंने इसमें नमक डाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, साथ ही साथ काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर डालकर थोड़ा सा मैंने पानी डाला इसमें और अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी डालने से क्या होता है ना, मसाले जो है ना आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। तो बस मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। मैंने इसमें क्या किया ना, पके हुए दाल को मसालों के साथ में डाल दिया, साथ ही साथ इसमें मैंने इसी सेम कटोरी में एक कटोरी की जितना पानी डाल दिया, तकरीबन एक कप ये होगा पानी, और बस उसको डालकर मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ ना मैंने आटे को गूंद लिया। नॉर्मली मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, इसमें बस नॉर्मल सिंपल पानी से डालकर मैंने आटे को गूंद लिया। एक लोई ले लेंगे और रोटी से बड़ा आकार का हमने इसको बेलकर रेडी करना है। और ये कुकी कटर है मेरे पास, आप चाहें तो जार का कोई भी ढक्कन हो ना आपके पास तो उससे आप आराम से इसको कट कर सकते हैं। और इसका हमें ना फूल बनाना है, यानी कि फ्लावर, बेवकूफ़ नहीं बनाना है, हमें फ्लावर बनाना है। तो बस इसको इस तरीके से हमने फ्लावर बना लिया। चारों तरफ से हमने दोनों अंगूठे से और दोनों इंडेक्स फिंगर से अच्छे से इसको हम प्रेस करेंगे ना, और बीच में सेंटर पे लाके स्टिक कर देंगे, तो ये काफ़ी अच्छे से ये चिपक जाता है और इसमें कोई भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो यहाँ पे सारे फ्लावर्स जो हैं हमने आटे की बनाकर रेडी कर ली हैं। और यहाँ पर ये जो तड़का है ये भी लग चुकी है, तो फ्लेम अभी लो है और इसमें हम धीरे धीरे कर एक साथ नहीं डालेंगे। और सारे फ्लावर्स को डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी एक सीक्रेट, तो वो इंग्रेडिएंट्स है ये गुड़। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, बट गुड़ से जो टेस्ट आएगा ना वो बिल्कुल देसी लगेगा और एकदम लगेगा कि हम गांव वाली ये दाल पीठा की रेसिपी को खा रहे हैं। जी हाँ, तो आज ये जो रेसिपी बन रही है ये दाल पीठा की रेसिपी है। मेरे बिहार में तो इसको दाल पीठा कहा जाता है, बट आप लोग के शहर में किस किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। अब मैंने इसे कवर कर दिया है लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें उबाल आ चुकी है। जब ये उबाल आ जाए ना तो हमें इसे ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो आटा है ना अभी दाल में अच्छे से कुक होगी और सारे मसाले जो हैं वो एब्जॉर्व करेगी। तो यहाँ पर ना हमें मीडियम फ्लेम पर इसको और भी अच्छे से कुक करना है, इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके ना। तो बस ये देखिए यहाँ पर हमारी दाल पीठा की जो रेसिपी है बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से बारीक कटी हुई हरे धनिए के पत्ते को छिड़क दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, जो हमने बेसिक से मसाले डाले हैं उतने इनफ है, आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं। दूसरी तरफ हमने दाल पीठा में तड़का की तैयारी की है, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है घी, जीरा और यहाँ पे लाल मिर्ची को डालकर हमने थोड़ा सा हींग डालकर और इसको तड़कने देना है। हींग पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर को डालकर हमने तड़का लगा लिया। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से इस तरीके से तड़का लगा कर खाएं। आइए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट पर हमने झटपट से निकाल लिया और इसके ऊपर से अब हम डालेंगे पिघली हुई घी। आप घी, मक्खन कुछ भी यूज कर सकते हैं। गार्निश के लिए फिर से हरे धनिए के पत्ते को छिड़कें और इंजॉय करें। आई होप आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।